हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं किरण चौधरी और आपका स्वागत है मेरे चैनल किरण चौधरी यूट्यूब क्रिएटर में। तो आज मैं आपके साथ कुछ नया शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे लिए भी नया है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, आज आपको पता है मैं हिमाचल आई हुई हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पर चल रही है हमारी गेहूँ की कटाई, तो उसके लिए गेहूँ की कटाई के लिए यहाँ पर जो थ्रेशर है वो आ चुका है, देख सकते हैं। तो ये ट्रैक्टर वाला यहाँ पे अपनी डायरेक्शन सही ढंग से सेट कर रहा है। और ये पापा जी से पूछ रहा है कि मैं किस तरह में अपना ट्रैक्टर सेट करूँ यहाँ पे, जिससे यहाँ जो हरी गेहूँ है वो भी ना टूटे। तो ये पूछ रहा है कि मैं कहाँ पर अपनी डायरेक्शन सेट करूँ। तो ये अब अपना सेट करेगा, इसको हडिम्बा बोलते हैं हमारे हिमाचल में। तो ये पहले जब हम गेहूँ की कटाई करवाते थे, पर्टिकुलर जगह पर एक मशीन लगी होती थी, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे करके गेहूँ अपनी अपनी लाते थे और कटवाते थे। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ये हडिम्बा चल पड़े हैं। तो ये जहाँ पे हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम कहीं पर भी कटवा लेते हैं, तो ये हमारे अपने ही खेत में। और यहाँ पे मम्मी पापा ने पहले गेहूँ काट दी थी, तो उसको एक जगह पे स्टोर करके रख दिया था। तो अब जब ये हडिम्बा आया हुआ है, तो यहाँ पे हम ढोके लेके आ रहे हैं, वहाँ पे इसके पास सारी गेहूँ को रख देंगे और फिर इसकी कटाई शुरू हो जाएगी। तो यहाँ ये ट्रैक्टर वाला अपनी जो थ्रेसिंग मशीन है उसको सेट कर रहा है, ताकि इसके जो दाने हैं वो भी एक सही डायरेक्शन में गिरें और इसका जो भूसा है वो भी। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं गेहूँ लेके आ रही थी तो मुझे रोक दिया गया, क्योंकि ये मशीन आगे पीछे हो रही थी। तो फिर पापा जी ने मुझे बोला रुक जाओ वहीं पे, तो मैं रुक गई थी। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं आप, मशीन बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी हो गई है और ये इसके पुर्जे टाइट कर रहे हैं। और यहाँ पापा जी ने तिरपाल उठा लिया है, इसको तिरपाल बोलते हैं, ब्लू कलर का है, इसको बिछा रहे हैं मम्मी पापा दोनों, ताकि उधर उस साइड से जो भूसा गिरेगा वो इसके ऊपर गिरे, ताकि भूसा बाद में जब उठाएंगे तो आसानी से उठ जाए। तो बिल्कुल खड़ी हो गई है मशीन तैयार होके, अब बस इसकी गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी। तो यहाँ मेरे देवर मेरी हेल्प के लिए आए हुए हैं, देख सकते हैं। और ये जो मशीन के ऊपर खड़ा है नया लड़का, ये मेरा भतीजा है, तो ये भी हेल्प के लिए यहाँ पे खड़ा है। तो ये मशीन में जो गेहूँ की जो बनी हुई है ना, इसको गेहूँ की पुलियाँ बोलते हैं, वो ये डाल रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो एक साइड गिर रहा है इसका भूसा और दूसरी साइड गिर रहे हैं दाने। तो यहाँ सब मिलजुल के काम करते हैं, देख सकते हैं आप। ऐसे ही जब फसल का काम पड़ता है ना, तो सभी इकट्ठे होकर काम करते हैं यहाँ पे, तो अच्छा भी लगता है। क्योंकि हम लोग तो कभी कभी आते हैं फसल के काम टाइम पे, तो ये जो देवर है मेरे और ये जो मेरे भतीजा है, ये बहुत हेल्प करवाते हैं हमारी। तो यहाँ पर मैं भी थोड़ी हेल्प करवा रही हूँ इनकी। तो यहाँ पे दाने गिर रहे हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ से दाने निकल रहे हैं, दाने निकलने का प्रोसेस यहाँ से है। तो साथ के साथ बोरियों में डालते जा रहे हैं, ताकि बाद में उठाने में आसानी रहे। जब ये गेहूँ कटती है ना, तो इसका जो प्रोसेस है ना, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ मेरा देवर बैठा हुआ है और एक बैठा है थ्रेशिंग मशीन वाला, तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, देख सकते हैं आप।
तो यहाँ ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गई है गेहूँ। अब जो बचा हुआ है, जो भी समेट के जो भी गेहूँ के पीछे से रह जाता है ना, जितना भी पीछे से कूड़ा काड़ा सब उठा के डाल देंगे मशीन में। तो यहाँ बिल्कुल फिनिश हो चुका है थ्रेशिंग मशीन में, जो गेहूँ कटाई का जो काम था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी मैंने पिक भी शेयर करी है बीच बीच में। तो यहाँ मम्मी जी लगी हुई हैं और यहाँ पे गुनगुन और उसकी दादी लगी हुए हैं, दाने भर रहे हैं बोरी में, जो अपने टब में निकाले थे ना, और तो हमने बोरियों में भर दिए थे पर थोड़े से टब में निकाले थे तो वो बोरी में डाल रहे हैं। तो यहाँ गुनगुन उनकी हेल्प करवा रही हैं। तो यहाँ पे मशीन का काम, कटाई का काम ख़त्म हो चुका है, तो अब मशीन जा रही है वापस, तो देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हांडिम्बा हिमाचल में, आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ मेरे देवर मना कर रहा है कि मेरी वीडियो मत बनाओ, उसको शर्म आ रही है। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।